जिले में ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर पहली बार रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन पहुंचा। रेलवे के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने आरती कर इंजन की पूजा अर्चना की। इस दौरान पायलट का भी साफा बांधकर सम्मान किया। रुटियाई से इलेक्ट्रिक पावर इंजन के साथ खाद से भरी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ब्यावरा पहुंची। दरअसल जून 2017 में शुरू हुई इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का काम अभी भी जोरों पर है, जो पचोर से मक्सी के बीच चल रहा है। 141.5 करोड़ की लागत, 188 किलोमीटर ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है, जो गुना से मक्सी के बीच किया जा रहा है। इसमें पचोर से मक्सी के बीच का काम अभी शेष बचा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। राजगढ़ से संवाददाता नितेश सोनी की रिपोर्ट। और आई से ब्यावरा के लिए आई है, हाँ। पहले इलेक्ट्रिक मालगाड़ी मतलब लोडेड गाड़ी आई हुई है, हाँ। इससे पहले ट्रायल तो हो गया है, पर एमपीटी का हुआ है, लाइट इंजन और एमपीटी गाड़ी। लोडेड गाड़ी पहली बार आई हुई है ब्यावरा। लगा रेलवे में ये ऐसा भी होता है, हमें आज पहली बार देखने को मिला। अच्छा। अगर कोई अच्छा नया काम करे तो उसके लिए मतलब स्वागत भी किया जाता है। अच्छा, तो ये कितने घंटे में सफर तय कर लेगी अभी ये इस इलेक्ट्रिक का, पहले से क्या इसका फायदा होगा? पहले से कुछ टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जो टाइम लगता था स्पीड भी बढ़ जाएगी और समय भी कम हो जाएगा। इसकी स्पीड मैक्सिमम 100 हो जाएगी। अच्छा। और जो डीजल में इतनी नहीं हो पाती, और लोडेड का भी वो बढ़ जाएगी कैपेसिटी, क्योंकि डीजल पावर में इतनी क्षमता नहीं होती कि ज़्यादा लोडेड को खींच सके। अभी क्या लेके आए हैं अपन इस गाड़ी में? इसमें यूरिया फर्टिलाइजर लेके आए। कितना आया है इसमें यूरिया? है 3428 टन।